वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 8 के लिए होम साइंस का चैप्टर नंबर 1 पढ़ाऊंगी। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको इस चैप्टर के टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर लिखने बताए थे कि एग्जाम में कैसे लिखोगे। इस वीडियो में मैं आपको इस चैप्टर के MCQ यानी कि चार ऑप्शन वाले क्वेश्चन आंसर समझाऊंगी, क्योंकि ये एग्जाम में ज़रूर आते हैं। तो बच्चों, इस बुक के जितने भी चैप्टर्स हैं वो आपको इस चैनल की प्ले लिस्ट में मिल जाएंगी, बाकी के चैप्टर्स आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, व्यक्तिगत स्वस्थता एवं वातावरण की स्वस्थता अच्छे देश के लिए आवश्यक है, मानसिक विकास के लिए, स्वास्थ्य के लिए, प्रगति के लिए या फिर उपरोक्त सभी। तो व्यक्तिगत स्वस्थता एवं वातावरण की स्वस्थता अच्छे स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी है। रोगाणु अंधेरी जगह, नमी तथा गंदगी में बहुत देश से अधिक संख्या में बढ़ते हैं। आंसर होगा शीघ्रता से। देश के माध्यम से रोग मनुष्य के शरीर पर प्रभाव करते हैं, संक्रमण के माध्यम से। अगला प्रश्न है, चेचक, कनपेड़, खांसी, जुकाम, काली खांसी, खसरा, क्षय रोग आदि देश से फैलने वाले रोग हैं, वायु से फैलने वाले रोग हैं ये। अतिसार, हैजा, मियादी बुखार आदि देश से फैलने वाले रोग हैं, जल द्वारा फैलने वाले रोग हैं। आँखों का दुखना, रोहे, दाँत, खास, खुजली आदि द्वारा डेट से फैलने वाले रोग होते हैं, यानी कि संपर्क द्वारा फैलने वाले रोग। मलेरिया, प्लेग, डेंगू, ज्वर आदि डेट द्वारा फैलने वाले रोग हैं, कीड़ों द्वारा। रोगाणु के शरीर में प्रवेश से लेकर रोग के लक्षणों के प्रकट होने की टाइमिंग को संप्राप्ति काल कहते हैं। समझ में आया कि रोग जब शरीर में प्रवेश करते हैं और रोग के लक्षण प्रकट होने तक की जितनी भी टाइमिंग होती है उसे संप्राप्ति काल कहते हैं। वे काल जिसमें एक रोगी अन्य स्वस्थ व्यक्तियों में रोग फैला सकता है उसे डेश कहते हैं। तो उसे कहते हैं संक्रामक काल। डेश रोग का आरंभ खांसी तथा जुकाम से होता है। तो खसरा रोग की शुरुआत खांसी तथा जुकाम से होती है, फिर तेज बुखार चढ़ता है। खसरा रोग का संप्राप्ति काल क्या है, यानी कि रोग के लक्षण प्रकट होने की टाइमिंग क्या है खसरा रोग की? 7 से 14 दिन लगते हैं खसरा रोग के लक्षण प्रकट होने में। खसरा रोग का संक्रामक काल क्या है, यानी कि खसरा रोग कितने दिनों तक रहता है? तो 3 सप्ताह तक ये बीमारी रहती है। खसरा रोग से रोगी को किस चीज़ से बचाना चाहिए? तो हवा के झोंके और ठंड से बचाना चाहिए। खसरे की रोकथाम के लिए बच्चे को 1.5 महीने तक के बीच खसरे के बचाव का टीका अवश्य लगवाना चाहिए। तो 9 से 12 माह के बीच खसरे के बचाव का टीका ज़रूर लगवाना चाहिए। अतिसार यानी कि डायरिया रोग बच्चों में अधिक होता है। इस रोग के रोगाणु डेश आदि में पलते हैं। अस्वच्छ दूध व गले सड़े फलों की वजह से डायरिया रोग होता है। कुपोषण के कारण व्यक्ति की डेश से लड़ने की क्षमता कम हो जाती है, यानी कि रोगों से लड़ने की क्षमता। अगला प्रश्न है, अतिसार रोग से ग्रस्त व्यक्ति को थोड़ी थोड़ी देर बाद डेश होता है, पतले तथा पीले रंग का शोच होता है। शरीर में पानी और नमक की कमी को पूरा करने के लिए डेश दिया जाता है, जीवन रक्षक घोल। अतिसार में निम्न खाद्य पदार्थ नहीं खाए जाते हैं। क्या नहीं खाया जाता है जब अतिसार हो? तो हरी पत्तेदार सब्जियाँ और मोटे छिलके व बीजों वाले फल नहीं खाए जाते हैं, ना ही मिर्च मसाले। तो इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, आँखों में धूल व गंदगी पड़ने से ये रोग होता है, यानी कि आँखों का दुखना आँखों में धूल व गंदगी पड़ने से होता है। मलेरिया एक सूक्ष्म परजीवी के कारण होता है जो कि डेश नामक मादा मच्छर के पेट में पनपते हैं। तो आंसर होगा एनाफिलीस। जन्म के समय शिशु को कौन सा टीका लगाया जाता है? तो BCG का टीका लगाया जाता है। 1.5 महीने की उम्र में कौन सा टीका लगाया जाता है? तो DPT का पहला टीका और पोलियो की पहली खुराक दी जाती है। 2.5 महीने की उम्र में कौन सा टीका लगाया जाता है? तो DPT का दूसरा टीका लगाया जाता है और पोलियो की दूसरी खुराक दी जाती है। 3.5 महीने की उम्र में कौन सा टीका लगाया जाता है? DPT का तीसरा टीका और पोलियो की तीसरी खुराक। आखिरी क्वेश्चन है, 9 महीने की उम्र में कौन सा टीका लगाया जाता है? तो 9 महीने की उम्र में खसरा का टीका लगाया जाता है।